भी जानते हैं मैं करूँ, तो मैं जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको चार लाइनें फिर से मैं कहूंगा कि बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। तो सर को मैं बुलाना चाहूंगा जो किसी पर्ची के मोहताज नहीं है, और सर के बारे में कई चीजें लिखता था पहले यहाँ पे, तो मैं यहाँ अपने पुराने ही डायरी से ये चीज निकालू के अभी जस्ट मुझे सर बताए कि सर जो है कुछ जो है आप मोटिवेट कर दीजिए मुझे भी, ताकि यहाँ पे जो है कुछ देर तक सीखने का मौका मिले। तो मैं सर के लिए लिखा हूँ एक लाइन, और वो लाइन मैंने सर के लिए लिख दिया है। सर के बारे में मैंने लिखा है, सुनकर कर दे अनसुना ऐसी उनकी आवाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाए ऐसे उनके अंदाज नहीं, मिलकर भूल जाए ऐसे उनके अल्फाज नहीं, सूरज से चमकते सितारे हैं किसी पर्चे के मोहताज नहीं। उदय सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आए, लेकिन सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ज्यादा समय न लें, क्योंकि सुनने आए हैं सर को, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज आप आइए। और सभी लोगों के लिए मेरे बाद इस अकेडमी को संभालने वाले इकलौते मैथमेटिक्स के सितारे हैं, जिन्होंने बहुत ही बखूबी इस संस्थान को मैथमेटिक्स के लिए आगे बढ़ाया है, और लगातार इनके कंधे पर जिम्मेदारी है कई बैचेस की, क्योंकि सर ने कहा भी है कि थोड़ा सा टाइम पर उसे ध्यान रखेंगे, मैं भी ध्यान रखूंगा। लेकिन अब जब आए हैं तो अपनी बात कहते हैं, है ना, आपने जितने रुक के जाएंगे। पहले तो ये कंफर्म कर दो कि एक बड़ी कहावत है कि हम बहुत बड़े तो बन गए, इट इज फायर, है ना, आप भी की तरह मैं भी हूँ, आप बस थोड़ा सा अंतर है, महज चंद महीनों की दूरी है, आप भी यहाँ होंगे, और कोई अंतर नहीं है हमें और आप, बस एक छोटी सी लाइन है, उस लाइन को आप पार कर दोगे, इसके बाद हम और आप सब एक हो गए, अभी भी एक। तो आप घर से निकले, घर से निकलना ही सबसे बड़ा खेल होता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। मैं कहता हूँ कि मिडिल क्लास के लड़के को निकलना ही एक बहुत ही बड़ा खेल होता है, वो घर से निकला ये बहुत बड़ी बात होती है कि तैयारी के लिए निकला, और अगर निकला है तो सपने पूरे करके जाएगा, तो उन विश्वास है, उसकी मेहनत पे विश्वास है, उसके अपने माता पिता को दिए गए भरोसे को विश्वास है कि वो जरूर माँ की ममता को और पिता के फर्ज को जरूर निभाएगा, उनकी आशा को जरूर पूरा करेगा, और ये लड़के पूरा करते हैं। प्रयागराज के बारे में बात अभी सर ने भी आपको रिमाइंड करवाई, मैं भी रिमाइंड करता हूँ कि ये शहर सच में जिसने दृढ़ संकल्प होके मेहनत के साथ अपना 100% दिया है, जिस प्रयागराज ने उसको कभी निराश नहीं किया, और आप भी निराश नहीं होंगे, हर हालत में आप यहाँ से सफल होके ही जाएंगे, अपने सपनों की रेल में बैठ के ही घर जाएंगे। जैसे ही चयन होगा फेंकेंगे और फेंकेंगे रूम कि भाई ले तू सामान रख, बस आज भाई बिना टिकट के जाएगा घर, पहले पापा को गले लगने लगाएगा और जाके, क्योंकि मिडिल क्लास का लड़का अपने बाप को गले लगाता है, उस दिन का इंतजार करता है, किस दिन उसे कटना मिले, जिस दिन मैं अपने पापा को गले लगाऊंगा मैं ऐसा कुछ काम करता हूँ, एक बार उनसे मिलूं और कह सकूं कि नहीं मैं तुम्हारे। एक लाइन है सुनिएगा, डरना नहीं किसी के पैरों की नाप से, डरना नहीं किसी के पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई आप जीतनी है, आप आज के चैप्टर में निर्धारित कर लिया है, ये सबसे करना है। थोड़ा सा मैं एक ब्रेक लेकर आपको एक बार बता देता हूँ कि तैयारी की शुरुआत कहाँ से करनी है, हालांकि मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे हैं तैयारी की शुरुआत पे तो नहीं है, सभी लोग उस मुकाम पे हैं कि बस परीक्षा हो जाए और हम साबित कर देंगे कि हम कहाँ हैं।
लेकिन स्टार्टिंग करते हैं, कई बार चीजें हैं, मैं चाहता हूं कि क्योंकि स्थितियां ऐसी बनती जा रही है कि हो सकता है पोस्टेस और कम होती जाए लगातार। 2022 की जो वैकेंसी है उसमें आपका जो किस्मत का सितारा है उसे चमका देना है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। एग्जाम देर सवेर लेट हो सकता है, आज नहीं होगा परीक्षा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, लेकिन एक ना एक दिन ये परीक्षा होगी। और किसी ने बड़ी प्यारी सी बात कही है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। बस आपको सोचना है, मेहनत करना है, दृढ़ संकल्पित होना है और सोचने के बाद लगना है। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों के लिए। उसके लिए एक रणनीति, एक ट्रैक, एक रास्ता जिस पे हम आगे बढ़े वो बहुत जरूरी है। मिडिल क्लास का लड़का या लड़की जब भी घर से निकलती है तो एक उसकी अपनी कुछ जरूरतें हैं, उसके अपने कुछ सपने हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, पिता की आस है, पिता की फिक्र को फक्र में बदलने का एक संकल्प है, मां की ममता को चुकाने का एक संकल्प है, बहन के प्यार को चुकाने का एक संकल्प लेके वो घर से निकलता है कि बाबूजी बस चिंता ना करिएगा, जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। और सच में वो लड़का बदलता है, एक ना एक दिन जरूर बदलता है। जिस दिन उसे मौका मिलेगा वो अपने आप को साबित कर देगा कि नहीं, मैं जिन संकल्पों के साथ निकला था और निकला हूं और मैं इनको पूरा कर रहा हूं। तो एक बार छोटा सा मैं स्टार्टिंग करता हूं कि तैयारी कहां से शुरू करें। कई लोग नए भी हैं और कई लोग पुराने होते हुए भी नए हैं। कई लोगों की तैयारियां तो इस लेवल पे है, इसमें ऐसे लोग बैठे हैं मुझे लगता है कि टीजीटी के टॉपर्स भी हैं यहां पे जो टॉप 10 में अपनी जगह बनाएंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं स्टार्टिंग कहां से करें। मान लीजिए कि आपने कुछ नए एस्पिरेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट भी हैं यहाँ पे, आंचल अग्रहरी है, इनको हमने पढ़ाया है और इस समय बेड कर रही हैं और बहुत अच्छा है कि ये समय के साथ है, क्योंकि हम लोग समय के बाद थे, हमें कुछ पता ही नहीं था कब क्या करना है क्यों करना है। समय के साथ है, बहुत अच्छी बात है और तैयारी भी कर रही है, लगातार अच्छा प्रदर्शन है इनका। शुरुआत कहां से करें, शुरुआत करना है हमको स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं तो 9th-10th की मैथमेटिक्स से करना है। 9th-10th का नया वाला जो सिलेबस है एनसीईआरटी, पहले तो वो पढ़ना है। उसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हमें टाइम लगेगा हल करने में और हम पढ़ा रहे हैं लगता भी है, ऐसे प्रश्नों को सॉर्ट आउट करना है, अपनी डायरी में नोट करना है। कॉन्सेप्ट दो डायरियां बनानी है, एक कॉन्सेप्ट डायरी और एक होगी हमारी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डायरी जिनको हमें याद करना है, जिनके प्रश्नों को याद करना है। अगर प्रश्न घुमा भी दे, कई क्वेश्चन घुमाए थे इस बार, ऑप्शंस चेंज किए थे, तो घुमा भी दे तो हमें याद रहना चाहिए, नहीं तब ये पूछा था तो ये आंसर था, अगर इसने ये पूछा तो मतलब चेंज है। ये जब हम बार बार प्रैक्टिस में लाएंगे तभी हो पाएगा। तो उन क्वेश्चन को 9th-10th में पढ़ते समय भी लिखें, डायरी में मेंशन करें और वहां पे जो चैप्टर पढ़े उसका जो कॉन्सेप्ट आपको जो नया लग रहा है या लग रहा हो कि हम कभी भूले हैं या भूल रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, उस कॉन्सेप्ट को भी वहीं पे मेंशन कर दें कॉन्सेप्ट डायरी में। क्योंकि अगर वो अभी भूल रहा है जब आप पढ़ा रहे हो, आप पढ़ के आए हो पढ़ा रहे हो अभी भूल रहा है, तो अगली बार गारंटी है वो तब भी भूलेगा जिस दिन एग्जाम में उसकी सबसे ज्यादा सख्त जरूरत होगी, करण की तरह जिस दिन सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उस विद्या उसे भूल गई थी गुरु के श्राप के कारण। तो मुझे लग रहा है कि वो जरूर होगा, तो हमें उससे भी बचना है, हमें उसे मेंशन करना है। फिर उठाना है 9th और 10th की ओल्ड बुक्स जो 2008-9-10 में चलती थी, जिसका ज्योमेट्री पोर्शन बहुत ही स्ट्रांग था, तो उसका ज्योमेट्री पोर्शन पढ़ना है वहां से। 31 प्रमेय, मैं कहूंगा प्रमेय याद तो हो ही जाएगी, आप उसे प्रूविंग भी पढ़िए, सिद्ध करना भी सीखिए। 31 प्रमेय जो होती थी, 33 प्रमेय थी निर्मेय, उनको सब पढ़िए, क्योंकि निर्मेय पढ़ेंगे जब उसका रचना वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपके वो क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे जिसको आप सॉल्यूशन के लिए करते हैं, तो आपके सारे क्लियर होंगे, कौन कहां पे परपेंडिकुलर है, कौन किस किस पर रेखा होती, किस कंडीशन में हमने इसको सिद्ध किया था, कौन साइड किसके बराबर है, ये वहां से क्लियर हो जाएगी। तो 9th के उस समय हमको 9th और 10th दोनों की ज्योमेट्री पढ़नी है। ये जब कंप्लीट हो जाए तो हमको आना 11th-12th के नए सिलेबस पे, एनसीईआरटी के जो समय न्यू बुक चल रही है,
उनको अच्छे से पढ़ना, यूपी वाली राजीव प्रकाशन जो भी लॉन्च कर रखा है इन्होंने, तो ये पढ़नी है हमको। रॉयल्टी पेड बुक है, 52-53 रुपए, 54 रुपए की है, ना भी हो तो आप ले लीजिएगा, सस्ती किताबें हैं सभी, तो ये पढ़िएगा। इसके बाद आप आइए 9th, 10th, 11th, 12th के ओल्ड सिलेबस पे जो 2008 और 10 में चलती थी। 2008 इसलिए याद रहता है क्योंकि मेरा हाई स्कूल 2008 में था, 9 में मैं इंटर में आया था फर्स्ट ईयर में, तो वो थोड़ा ज्यादा याद रहता है। 10 तक जो किताबें चली थी उनको पढ़ना है। उसमें क्या क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री तो पूरी पढ़नी है। आइएगा सर, आइए। अच्छा सर, नहीं नहीं गले लगाया करिए सर, ये तो सबको खिलाइए, भगवान का प्रसाद है, सबको खिलाइए चाहे याद आ जाए। बड़े हनुमान जी बहुत बड़े दिल वाले हैं, सबको सफलता देंगे। दीपक सर हैं तो हम बात करते हैं 11th 12th की ओल्ड बुक्स में हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री पूरी। ये योगेंद्र सर हैं, एस्पिरेंट्स ही हैं, ये भी मंदिर गए थे तो कह रहे थे सर हम सोच रहे हैं कि मिल के आए भगवान से। अच्छा अच्छा तो ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अलजेब्रा, और अगर लगे कुछ नया है ना तो उसे लिख जरूर लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा डायरी में कहीं भी पीछे जगह पे। इनको तो हमें पूरी पूरी पढ़नी है और इनके भी वो क्वेश्चन मेंशन करने हैं अपने साथ जिनको हमें लगाने में आज भी समस्या होगी। बहुत से क्वेश्चन होंगे जिसमें आप फंसेंगे, भले हम धुरंधर हैं, हम टीचर्स हैं, आप 11th 12th का वो ओल्ड वाला सिलेबस उठाएंगे तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको आप एक अटेम्प्ट में नहीं कर पाएंगे, और जिसे एक अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहे हैं तो टीजीटी में आपके लिए बाधा बनेगा। उसे हमें नोट करना है, अपने पास मेंशन करना है एक पेज में कि ये प्रश्न हमको फिर से पढ़ना है, इसका आंसर हमें याद होना चाहिए, इसको एक बार हम करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाए, अगर हम क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री से लगभग हमारे 14-15 प्रश्न आते हैं त्रिकोणमिति से, और लगभग 18 क्वेश्चन के आसपास 18-20 क्वेश्चन कैलकुलस से आते हैं। थैंक यू भैया। इसके बाद अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा से 25 क्वेश्चन आते हैं, अलजेब्रा के पोर्शन से लगभग 24-25 क्वेश्चन आते हैं, और 15 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो पतली सी किताब है, बहुत ज्यादा नहीं है, वो जो आप पढ़ेंगे 12th वाली इतनी होगी मुझे लग रहा, मुश्किल से इतनी, उससे 15 क्वेश्चन आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और वो जो कॉन्सेप्ट वहां पे हैं वही पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम बड़ी बड़ी किताबों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो जो 12वीं की किताब है जिसे लोग बता देते हैं कि 11th 12th एक बार पढ़ना है, और 11th 12th का जो कंट्रीब्यूशन है टीजीटी में लगभग 80% है ऐसा मुझे लगता है, बाकी में जो बच रहा है हमारा 20% उसमें 50-50 ग्रेजुएशन और 9th-10th है। 9th-10th में वो कॉमर्शियल मैथमेटिक्स भी मैं उसमें ऐड कर देता हूं, 9th-10th से लगभग 20-25 क्वेश्चन आते हैं कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, उसमें इंक्लूड कर दीजिए, है ना, अपना ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज साथ सीआई एसआई हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, स्पीड टाइम हो गया, रेल ट्रेन सब चला देते हैं उसी में, तो 20-25 क्वेश्चन हमारे 9th-10th के हो गए, और इसके बाद बचता है हमारा ग्रेजुएशन। तो अगर आपको लग रहा हो कि ग्रेजुएशन बहुत कठिन है, मारिए गोली उसको, छोड़ दीजिए, अभी हमको टारगेट करना है 110 प्रश्नों को, इन 110 प्रश्नों में गलत नहीं होना चाहिए, बाकी जो 15 बच रहे उनमें हम तुक्का मारेंगे, तुक्का में 7-8 सही होंगे, पूरा विश्वास है कि आप सही से मारोगे ना, इतना पढ़ते पढ़ते अनुभव हो जाता है कि 15 क्वेश्चन में आपके कम से कम 7-8 क्वेश्चन पक्का सही हो जाएंगे, क्योंकि पढ़े तो है ही और पढ़ के जाएंगे भी, तो 7-8 क्वेश्चन तो मुश्किल से मरेगा। अगर ये पढ़ लें ग्रुप थ्योरी तो 5-6 क्वेश्चन तो ग्रुप थ्योरी में आसान आसान से क्वेश्चन आता है, उसे निपटा देंगे, तो एक बार हमें उसे पढ़ना शुरू करना है। कई लोग यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं, दीपक सर की बुक भी बड़ी ऑथेंटिक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप उसे पढ़ लें जो चैप्टर्स, कभी ये ना सोचे कि वो बुक हमें बुक ही मंगवानी पड़ेगी, नहीं, अगर कोई टॉपिक फंस रहा है तो उस टॉपिक की पीडीएफ आप हमको या दीपक सर को मैसेज कर दीजिए, हम आपको तुरंत ही भेज देंगे, भेजते भी हैं, बहुत से लोग मांगते तुरंत दे दिया जाता है। और इसके बाद बचता है कि ये सर स्टैटिक्स और डायनामिक्स में क्या पढ़ना है, और शॉर्ट में निपटाऊं या बोरिंग तो नहीं होगी। अच्छा 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 हम बात करते हैं स्थिति विज्ञान की और गति विज्ञान की, स्टैटिक्स और डायनामिक्स की। तो स्टैटिक्स और डायनामिक्स में कई लोग बोलते हैं 6 किताबें पढ़ लो, हम भी बोलते हैं जनरली कोई पूछता है 6 किताबें पढ़ लेना, लेकिन स्टैटिक्स डायनामिक्स में पूरा नहीं पढ़ना है। फर्जी का बोझ वो फिजिक्स का पोर्शन था, हमको पढ़ाया गया और हम लोगों ने पढ़ा और अभी भी पूछा जा रहा, तो कुछ चैप्टर ही हमको पढ़ना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्टैटिक्स की, स्थिति विज्ञान की, तो स्थित विज्ञान में मैंने तो इसको 11 वीडियोस बनाए हैं, इस पे
11 लेक्चर्स है, आप उसे देख के किताब बाद में पढ़ें, पहले एक बार देख लिया उसमें तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अब आप उसे पढ़ेंगे नए तरीके से पढ़ेंगे पूरा, उसमें क्या जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, फिर आप किताब पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, या फिर जैसे आपकी रणनीति हो किताब भी आप पहले पढ़ सकते हैं। पढ़ना क्या क्या है इसमें, तीन बल लगे पिंडों का संतुलन, लामी की प्रमेय पढ़नी है, त्रिभुज का नियम पढ़ना है, त्रिकोणमिति प्रमेय पढ़नी है इसमें, और गुरुत्व केंद्र पढ़ना है, संतुलन वाले क्वेश्चन पढ़ना है, इतना सिर्फ हमको पढ़ना है स्थिति विज्ञान से, ज्यादा नहीं पढ़ना उसे, बस इतने टॉपिक हमको पढ़ना है। इसके बाद डायनामिक्स की अगर बात करें तो क्या करें, वैसे फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन नहीं, टीजीटी में नहीं आता, टीजीटी में फ्रिक्शन नहीं आता। फिर से एक बार रिमाइंड कर दूं, रिवाइज कर दूं, तीन बल लगे पिंडों का संतुलन, लामी की प्रमेय, त्रिभुज का नियम, त्रिकोणमिति प्रमेय एवं दो त्रिकोणमिति दो समकोण बलों में नियोजन, बलों का नियोजन वाला चैप्टर पढ़ना है हमको। संतुलन के सामान्य नियम, संतुलन के एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आ जाता है कि किस कंडीशन में क्या क्या होगा, दो बल संगामी होंगे, एक बिंदु से जाएंगे, वो आपने पढ़ा होगा प्रमेय पूरी। गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र से रटा रटाया क्वेश्चन आता है हर बार कि ऊपर साइड से कितनी दूरी पे होगा, नीचे साइड से कितनी दूरी पे होगा, कभी बेलन पूछ लेगा, कभी आपसे क्या कहते हैं गोला पूछ लेगा, सबका अलग अलग पूछता रहता है कि इसका कहां पे होगा। तो मुझे लग रहा है कि वो आप वाली ओल्ड पुरानी वाली बुक उठाएंगे तो उसमें एक एक पेज में समरी टाइप में दिया है पूरा, सबका लिखा हुआ है कि समतल दंड का कहां पे होगा, सबका लिखा हुआ है, उसे नोट कर लेना है। आप देखेंगे सब क्वेश्चन आपको उसी एक पेज में मिल जाएंगे, नोटेड पॉइंट एकदम वो पूछा जाता है, कोई क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं बहुत आया हुआ है अभी तक, एक दो क्वेश्चन आए हैं क्रिटिकल, वो आप प्रीवियस ईयर किए हैं तो उससे आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जब इतने पे आप पहुंच जाएं तो आपको कोई एक ऑथेंटिक बुक फॉलो करनी है। आरडी शर्मा प्रिफर नहीं करता हूं, ऑब्जेक्टिव आईआईटी वाली अगर कोई पढ़ा रहा है बहुत दिन से टच में है तो ठीक है, नहीं तो आरडी शर्मा का वो वर्जन भी पढ़ सकते हैं अगर और स्टैंडर्ड तैयारी पे जाना चाहते हैं, जो 11 12th की किताबें हैं उसकी, सीबीएसई वाली जो है आरडी शर्मा वो पढ़ सकते हैं। मैं आईआईटी वाली प्रिफर नहीं करूंगा क्योंकि उसका रिविजन पॉसिबल नहीं हो पाता, हम पढ़ तो लेते हैं एक बार कूद के पढ़ लिया है, दोबारा पढ़ेंगे नहीं, रिविजन नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। 10 किताब एक एक बार पढ़ी जाए उससे बेहतर है कि एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो वो हो गया, तो आरडी शर्मा प्रिफर नहीं करता हूं मैं। अब यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर ले सकते हैं, 2007 वाला वर्जन जो था, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर 2007 ओल्ड वर्जन, नई वाली उसने भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल दिए हैं, और टीजीटी डिफिकल्ट क्वेश्चन टीजीटी के है ही नहीं, टीजीटी कहते ही नहीं, कभी नहीं कहा उसने कि हम ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो फिर टीजीटी को आईआईटी घोषित कर देंगे अगर ऐसा होगा। वो क्वेश्चन आपको बहुत ही एवरेज क्वेश्चन देते हैं और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हमको उस किताब से भी नहीं पढ़ने। तो सेल्फ स्कोरर जो स्टार्टिंग वाली थी उसमें बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है और टीजीटी के लेवल के क्वेश्चन है। यूनिवर्सल की एररलेस मैथमेटिक्स है, लेवल थोड़ा हाई है, लेकिन हाई लेवल वाले क्वेश्चन हमको छोड़ देने हैं, हमको अपने मीडियम रेंज वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं, वो पढ़ सकते हैं। और इस समय सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक बुक मैं बोलता हूं टीजीटी के लिए, एसआर सैनी की है, जयपुर पब्लिकेशन की बुक है, काफी अच्छी बुक है, दोनों मीडियम में अवेलेबल है, आप हिंदी मीडियम लेना चाहे तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में लेना चाहे तो इंग्लिश मीडियम। और मेरे नाम से उतनी किताबें उनके पास से आई हैं कि वो आज भी 3 साल पहले वो 800 रुपए की घर में भेजते थे, जबकि वो 950 की किताब है, आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखेंगे दोनों वैल्यूम और 950 के आसपास का है, तो वो 800 रुपए में तब भी घर भेजते थे और आज भी घर भेजते हैं। और मुझसे कहे थे अगर कोई गरीब लड़का हो, आप फ्री पढ़ाते हो, अगर कोई ऐसा लड़का हो जिसको जरूरत हो तो आप बता देना, एक दूसरे हम तुरंत भिजवा देंगे, आप उसे पहुंचा देना। बहुत वृद्ध है, काफी एजेड है बहुत, लेकिन अच्छे व्यक्ति। तो ये करना है हमें, जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर हमें विभिन्न, देखिए तैयारी को जितना धार देंगे उतना अच्छा रहेगा, अगर हमारा क्वेश्चन प्लस हो जाएगा तो हमारा नुकसान नहीं फायदे है। जैसे हम टाइम पूछते ना कि कब होगा एग्जाम, नहीं अभी मुझे ये बाकी है, इसके बाद एग्जाम हो, एग्जाम तो होगा जनवरी में हो, फरवरी में हो सकता है, दिसंबर में हो, सरकार का जिस दिन मन किया खटाखट खटाखट अगली सुबह आपसे कहेगी कि चलो फला तारीख को आपका एग्जाम है, किसी भी दिन कर सकती है, और डेडिकेटेड मुख्यमंत्री भी है इस समय, कुछ भी कर सकते हैं, अचानक से कह देंगे चलो कल ही होगा एग्जाम, या 10 दिन बाद होगा, 15 दिन बाद होगा, 1 महीने बाद होगा, है ना, मतलब वो डिसाइड किया जा सकता सब कुछ, लगभग मुझे लग रहा है कि सब कुछ है, मतलब रेडी हो चुका आयोग का, मुझे लग रहा है कभी कभी भी कर सकते हैं, या फिर नहीं भी होगा मार्च में होगा, चुनाव के बाद होगा, लेकिन हम तैयार रहे तब तक, हम उतने धारदार हो जाएं कि ये मौका हमसे छूट ना जाए।
ये करना है। इसके बाद जब यहाँ तक कंप्लीट हो जाए तो आप आरपीएससी की किताब उठा लीजिए, यूपीपीसीएस की जो हमारी मेंस सॉरी प्री वाली बुक है उसे उठा लीजिए, उसको क्वेश्चन कर लीजिए। वहां भी ध्यान रखना हमको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चनों से नहीं उलझना, तुरंत आप तैयारी कर रहे हैं तुरंत समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन अपने लेवल का नहीं है, छोड़ो मारो क्लास अगला पढ़ना है। जो क्वेश्चन वहां भी डिफिकल्ट लग रहा है उसको जो हमने डायरी बनाई थी उसमें लिखने का काम बंद नहीं करेंगे, जो भी पढ़ेंगे तुरंत लिख देंगे। ग्रुप में कोई अच्छा क्वेश्चन आया आपको लगा यार बहुत बढ़िया इसने बहुत अच्छा सॉल्व किया, तुरंत उसको नोट करिए, उसका मेथड नोट करिए। मुझे लग रहा है जाने कितने लोग अपने अपना सॉल्यूशन दे देते हैं, तो जो आपको बेस्ट लगे या आपको आपको उससे बेस्ट आ रहा है तो आप उसको लिखिए, मेंशन कर लीजिए कि अच्छा क्वेश्चन है उसे हम लिखेंगे। तो 9 10th मतलब ओवरऑल में मिला लूं 9 10th तो 20 से 25 क्वेश्चन कमर्शियल मैथमेटिक्स इसमें इंक्लूडेड है, वाणिज्य गणित एसआई सीआई ये सारी चीजें इंक्लूडेड है हमारी। 11 12th से लगभग 80 से 85 क्वेश्चन मान लीजिए आते हैं, और मैं बात करूं अगर वेक्टर और 3D तो वेक्टर और 3D से 9 क्वेश्चन आते हैं, वेक्टर और 3D से 9 क्वेश्चन आते हैं। और रही बात ग्रेजुएशन की 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट आपसे हिट की जाती है थ्योरम्स, कुछ रटे रटाए क्वेश्चन बस उन्हीं में इधर उधर थोड़ा बड़ा हेर फेर कर देते हैं वही आपसे बार बार पूछ लेते हैं। तो ये हो गया। और तैयारी करनी कैसी है तो मैंने स्टडी मटेरियल की मैंने बातचीत कर ली कि कहां कहां से क्या क्या पढ़ा जा सकता है, तो जो मुझे ऑथेंटिक लगा। आप कुछ फॉलो भी करते होंगे तो किसी का ये नहीं कि मैं किसी को क्या कहते हैं प्रमोट कर रहा हूं, ऐसा कोई मकसद नहीं है, हम आपके बीच में अपनी बात रख रहे हैं। जो मुझे अच्छा लगा जहां से मैंने पढ़ा, मेरा तो कोचिंग लेवल जो था वो शून्य था, 1 महीने फिजिक्स का कोचिंग पढ़ा हूं 12th में, उसके बाद कोचिंग का दरवाजा देखने का मौका ही नहीं मिला, घर में इतना काम रहता था, स्कूल से आओ उसके बाद घर में लगे रहो सुबह फिर स्कूल जाओ, तो दिनचर्या पूरी बंदी थी। तो कोचिंग ऐसा नहीं था कि मतलब घर वाले पढ़ा नहीं सकते थे, मतलब कोचिंग वोचिंग 200-400 रुपए का अफोर्ड कर सकते थे आराम से, लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिला कि हम कैसे पढ़ेंगे, इसका टाइम नहीं था, तो कोचिंग का दरवाजा कभी नहीं देखा। तो कोचिंग से बिना निकले, स्कूल से निकल के सीधा कोचिंग प्रयागराज में पढ़ाए थे, पहला बैच इसी बिल्डिंग में नीचे सबसे चलता था, दूसरे फ्लोर पे आर एस पांडे क्लासेस करके थी, 11th GIC के बच्चों को पढ़ाया था पहला बैच। मैं तो पर्सनालिटी अभी बहुत ठीक है, पहले वजन ही मेरा 40 किलो था जिस समय मैंने स्टार्ट किया था, और बिना डाइटिंग तो बहुत कुछ है सर, तो पहले जाते थे सर को कोई टीचर मानता ही नहीं था, अभी भी नहीं मानता है, ये फैक्ट है, अभी भी कोई नहीं मानता, किसके मानने का इंतजार करें, तो हम बताते भी नहीं है कई बार। तो स्टडी मटेरियल हमें जो भी फॉलो करना है, मतलब कि क्वेश्चंस थोड़ी सी और बात करेंगे इसमें, फिर 2-4 चीजें सुना के बाद अपनी बाड़ी को खत्म कर देंगे। हमें क्या करना है, स्टडी मटेरियल वो फॉलो करना है जो कंप्लीट हो चैप्टर्स, जहां जहां से क्वेश्चन आते किताब देखते ही लग जाता है कि ये कंप्लीट है हमारे लिए, चैप्टर्स कंप्लीट है, तो हमें वही बुक फॉलो करना है, उसी के क्वेश्चंस कम से कम जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें दिए हैं कि नहीं, तो जो किताबें मैंने की उनमें लगभग सारे क्वेश्चंस दिए हुए इस टाइप के, और कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करना है। एग्जाम कब होगा इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक दिन जरूर होगा, आपके पास कई मौके आएंगे, GIC आएगी आपके पास, DSSSB की लगभग 10,000 वैकेंसी आएगी आपके पास, एक वैकेंसी 2022 की पेंडिंग है जिसके आप प्रबल दावेदार हैं, मुझे लग रहा है 3 वैकेंसियां सफिशियंट है आपके लिए एक अपनी एक सीट पक्की करने के लिए, बस आपको लगे रहना है, लेकिन अगर लापरवाही होगी तो आपसे ही होगी कि यार अभी पढ़ने मन नहीं लग रहा। कई बार लोग फोन करते हैं सर पढ़ने मन नहीं लग रहा, तो ये मन को लगाइए, मन को बताइए कि तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे, तुमको हमारे हिसाब से चलना होगा, क्योंकि उसके बाद तुम ही मजा करोगे सबसे ज्यादा, तो मुझे तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन की बात हुई गई कि मैंने कहा जो भी होंगे ऐसे क्वेश्चन आपको लिख लेने हैं, आप लिखने वाला काम शुरू करेंगे तो मुझे लग रहा है आपको कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन मिलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 12th वाली जो आपकी पुरानी ओल्ड बुक है, जिनके प्रश्नों के उत्तर आपको याद होने चाहिए, उनकी डिटेल करो सोल्यूशन बड्डे हो जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स जितना मतलब मेरा चैनल पे जितना भी पढ़ा हुआ प्रीवियस ईयर मैंने पूरा डाल रखा है, पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी तरह का कोई किसी से चार्ज नहीं है, आप उसे जरूर पढ़ें, ये विश्वास के साथ कि नहीं ठीक है हमें मतलब रेडी है हमारा कोई दिक्कत नहीं तैयार है हम, लेकिन एक बार उसे पढ़े जरूर, क्योंकि वहां पे मैंने अपने सारे अनुभव झोंकने का काम किया है, जिन क्वेश्चंस को जिस तरीके से हल किया जा सकता है मैंने कोशिश पूरी की है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर किसी ने देखा है मेरा, आपने देखा है, उसने इन्होंने देखा है, कैसा लगा सर योगेंद्र सर? कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर पे काम करेंगे, वेक्टर की समस्याएं बहुत बड़ी आती हैं, और वेक्टर के लगभग बता देता हूं 70% क्वेश्चन ABC जो भी दिया उनकी सबकी जगह पे IJK मान के लगा दो, ऑप्शन अलग हो जाता है, 70% में लग जाएगा ये, बस आपको लगाना आना चाहिए कि कहां पे फेल होगा कहां पे लगेगा।
कुछ नहीं करना, बड़े बड़े एक्स वाई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के नहीं मानना है, इन्हीं से निपटा देना है, निपट जाते हैं क्वेश्चंस, ऑप्शन अलग हो जाएगा, ऑप्शन ही तो अलग करना है, हमें किसको सोल्यूशन दिखाना है, मेंस थोड़ी लिख रहे हैं, मेंस लिखेंगे तब समझा जाएगा, तब फिर से एक बार डिटेल से पढ़ लेंगे मेंस के लिए। और जो सबसे बड़ी बात है मैथमेटिक्स में टीजीटी के लिए, कॉन्सेप्ट वाला जो मैंने रजिस्टर बताया, सर ने बताया कि सर आज पढ़ते कल भूल जाता है, सर का प्रश्न था अभी सर से उन्होंने किया था, बिल्कुल भूलेगा, स्वभाव है मैथमेटिक्स का, क्योंकि भूलती ना होती तो हर बंदा मैथमेटिशियन होता, हर आदमी गणितज्ञ होता, कहते हैं पढ़ते आ रहे कब से यार, तो खुद ही हो गए इनसफिशियंट है। हमें कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाना है और उसके लिए डेली 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटे डेली देना है, उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। याद रखिए जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, जितने ज्यादा फार्मूले आपको याद होंगे, आपकी यात्रा उतनी आसान हो जाएगी। अब किसी चैप्टर का कोई टीचर आपको पढ़ाया हो और इंट्रोडक्शन क्लास उसने सही से ले ली हो, तो चैप्टर के मैक्सिमम प्रश्नों को आप करने का हिम्मत जुटा लेते हैं, कर नहीं पाते थे हाई स्कूल 9th 10th में अलग बात थी, लेकिन हिम्मत आ जाती थी अरे ये तो कुछ ऐसा होगा जैसे सर ने कुछ ये बताया था। तो कॉन्सेप्ट वाला रजिस्टर अपना मेंटेन करें, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सारे लिखें, जहां आपको लगे कुछ हमें नहीं आ रही, नई चीज मिल रही, उसको तुरंत चैप्टर वाइज पूरी कॉन्सेप्ट लिखें। कॉन्सेप्ट पे जितना ज्यादा काम करेंगे, जितने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उतना ज्यादा ये यात्रा आपके लिए आसान होती चली जाएगी। अब आप बात करते हैं कि एक दिन वो भी आएगा जिस दिन एग्जाम की तारीख निर्धारित हो जाएगी, और वो समय भी आएगा जिस समय पेपर की आप सील खोल रहे होंगे और एक झटके के साथ आप उस सील को खोल भी देंगे। अब यहां पे मैक्सिमम लोगों की तैयारी ठीक होती है, तैयारी सबकी अच्छी होती है, मेरी भी 16 में ठीक थी, 16 वाली परीक्षा मैंने दी थी, इंटरव्यू में दिया था, फाइनल राउंड से मैं बाहर हो गया था। तो वो जो पेपर ओपन करें उसके बाद हमको वो क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं जो क्वेश्चन एकदम क्लियर है कि ये हम इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, प्रश्न को देखते ही सकल देखते ही प्रश्न की समझ में आ जाता है कि इससे हम रूबरू हुए हैं कभी कि नहीं, तो हमें सबसे पहले उस प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, और वो प्रश्न जो बड़ा हो डिफिकल्ट लगे और जो कभी सामने ना आया हो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको पहले अटेम्प्ट में स्किप ही कर देना है, टिक करते जाए आगे बढ़ते जाए, टिक करते जाए आगे बढ़ते जाए, मतलब स्टार्टिंग के 1.25 घंटे में आपको पूरे 125 प्रश्न देख लेने हैं। मैक्सिमम लोगों की गलती यही हो जाती है कि पहुंच ही नहीं पाते, कहते पेपर तो आ रहा था हम आगे पहुंच ही नहीं पाए, समस्या क्या होती है उन प्रश्नों से उलझ जाते हैं जिनसे हमें टकराना नहीं चाहिए था, हमें लगता है छोड़ देते यार। कई बार मान लो एक प्रश्न बड़ा ले लिया आपने, आ गया तो ठीक है, नहीं करो 5 मिनट खा गया तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं पे लो हो जाएगा, अरे यार आया भी नहीं, 5 मिनट चला भी गया, इस समय तो मैं 5 क्वेश्चन देख लेता कर लेता, तो पहला गलती नहीं करना, जितना आ रहा है पहले राउंड में बस चलते जाना 125 तक प्रश्न पहुंचना है, ये मेरी रणनीति है, आपकी और भी बेहतर हो सकती है इस पे, तो सुनना सबकी है करना अपनी है। फिर उसके बाद 125 प्रश्न जब एक बार कर ले तो उनको पहले गोला मार दीजिए, क्योंकि गोला भरने में भी जब एक साथ गोला करो ना तो कई बार सीरियल गड़बड़ा जाता है। अब आपको पता है कि नियम क्या है कि आप व्हाइटनर नहीं लगा सकते, खरोंच भी नहीं सकते, वो हमारी नहीं चेक होगी, तो इनसे भी बचना है, इससे भी बचना है, तो एक पहले गोला मार दीजिए। गोला मारने में तो मैं तो ये कहूंगा कि आप 10-10 क्वेश्चन का गोला मारते जाइए, बहुत समय नहीं लगता, हल करते बस करते जाइए, गोला मार दीजिए, क्योंकि सीरियल भी गड़बड़ाए अगर तो एक आध दो क्वेश्चन का गड़बड़ाए ज्यादा से ज्यादा। फिर आगे सीरियल पूरा गड़बड़ हो गया, कई लोग सर आप ही नहीं, कई लोग आपका भी गलत हुआ, ठीक है अब मेरा भी गलत हुआ था, ये है कि हम बच गए तूफान से, सिमटे नहीं, मतलब 3-4 क्वेश्चन खोला करने में, जैसे कि अभिलंब की स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछा मैंने निकाल लिया, और उसमें क्वेश्चन पूछा अभिलंब की प्रवणता, अब कॉन्फिडेंस इतना होता, कई बार हम एग्जाम में टीचर बन के बैठते हैं, अरे मास्टर ने यार 10-5 साल से पढ़ा रहे हैं, क्या छोटा सा क्वेश्चन है, स्पर्श रेखा का क्वेश्चन, मैंने स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल ली, पूछा प्रश्न में अभिलंब की प्रवणता -1 एक टेक करके चले आए। उसके बाद ऐसे 13 क्वेश्चन थे जो मैंने घर में अपने आप को देखा तो मैंने कहा आज उदय तुमने अपना सिलेक्शन रोका है तो उसकी वजह सिर्फ तुम, क्योंकि अगर इस एटीट्यूड के साथ इन प्रश्नों के साथ पेश आए ना होते और इनको सही हल्के में लिए होते कि नहीं 9th 10th ही पढ़ा रहे हैं 11th 12th पढ़ा रहे हैं तो मुझे लग रहा है गलत नहीं होते, समझ के करते। तो कई बार हमें टीचर वाला एटीट्यूड लेके बिल्कुल नहीं बैठना है एग्जाम में, हमको अभ्यर्थी बन के बैठना है,
ठीक है, और कॉन्फिडेंस होता है, अरे यार तो छोटा सा क्वेश्चन है, निपटा देंगे दो मिनट में, फटाक से एक मिनट में निपट जाएगा, तो छोटा है। उस एटीट्यूड के साथ जब हम बैठते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत होते हैं। तो इस एटीट्यूड को भी हमें छोड़ना है, बाहर करना, नहीं नहीं मैं एस्पिरेंट्स हूं, एक प्रतियोगी छात्र की तरह, मैं प्रबल दावेदार की तरह यहां पे बैठा हूं, और जैसे ही पहले राउंड में अगर आपने एक घंटे 15 मिनट में लगभग 70 से 75 क्वेश्चन सही कर दिए, हल करके उत्तर निकाल लिए, तब आप अपने आप को आने वाले 50 मिनट बाद ये बता दीजिएगा कि मैं श्योर सिलेक्टेड हूं, बस अब ये 50 मिनट मुझे और संभाल लेने हैं। उन 50 मिनट में आप दूसरा राउंड पे चालू होइए, फिर उन प्रश्नों को हल करिए जिनके थोड़े अटेम्प्ट में आ जा रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि आप करते जाइए, जो नहीं आ रहा उस पर तुक्का मारिए, लौटने का समय नहीं होगा। लग रहा है कि ये सही हो सकता है, 1-1=0, अच्छा तो ये जीरो वाले को मार देते हैं, जो भी जय माता दी जो भी मारते हो, तुक्का एक्सपर्ट की अपनी अलग अलग कहानी होती है, कोई आंख मूंद के रखता है, जय माता दी जहां पड़ गया वहीं रख दिया। तो मैं तो कहूंगा उस प्रायोरिटी के साथ ना पहुंच के आप वो वाला ऑप्शन मारे जो आपको लगे कि ये ज्यादा सही हो सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जो एकदम अलग हो जाते हैं, दो ऐसे होते हैं कि जिनमें चिंकी मिंकी वाली कंडीशन होती है कि ये चिंकी है कि मिंकी है, मिंकी है कि चिंकी है। तो उन ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है कि इनमें से जो कौन से मोस्ट प्रेफरेबल लड़की है। तो उस ऑप्शन को कई बार आता है, उसमें तीन टाइप के, चार टाइप के ऑप्शन होते हैं, उसमें कई चार तीन चार लड़कियां बना देते हैं, एक ही चेहरे की रहती है, पहचानना मुश्किल होता है। तो वही टाइप का दो जगह ऐसा बचता है कि बिल्कुल नहीं बता सकते कि कौन है, टू कॉपी लगता है, तो उसमें उस टू कॉपी वाले को पहचानना है और उसे देना है। एग्जाम में ईगो को बिल्कुल नहीं रखना है, ईगो मतलब जीरो लेवल, मैं सिर्फ एक प्रतियोगी हूं, मैंने 10 साल पढ़ाया, 15 साल पढ़ाया, मैंने IIT पढ़ाई, मैंने 10th-12th पढ़ाया, मैंने फाउंडेशन पढ़ाया, सबको छोड़ देना है, मैं एक प्रतियोगी हूं, मैं सिर्फ पढ़ा हूं और मैं परीक्षा देने आया हूं, इस परीक्षा को हमें क्वालिफाई करना है। बस इसके बाद कुछ बातें कर लेते हैं, मुझे लग रहा लेवल बस सारी हो गई, और कोई क्वेरी है तो बात रखें और हम कुछ आपके बीच में रखेंगे, बताइएगा। और कुछ है, जिम्मेदारियां सबके साथ हैं, जिम्मेदारियों से हम नहीं भाग सकते। हाँ सर, अर्थमेटिक का प्रोग्रेस, अर्थमेटिक का जितना भी है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का, उसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इसकी पूरी वीडियो सीरीज कंप्लीट कर दूंगा। इससे सर मिला के लगभग मैंने 9th-10th वाला वो सब उसी में जोड़ लीजिए, 20-22 क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन ये आते हैं, 30 आए थे ना, हाँ मान लीजिए थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो सकती है, 20-25 क्वेश्चन मान लीजिए जो आएगा, हाँ 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 25 के आसपास, जिस जो कह 9th-10th और कमर्शियल मैथमेटिक्स, चाल समय, SI CI, काम समय है ना, तो ये इसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा, इसके वीडियोज मैं बना दूंगा, ठीक है। बाकी आपके पास जो भी मैटर अवेलेबल आप उसे पढ़ते रहिए। तो घर की जिम्मेदारियां, कुछ लाइनें हैं जो प्रयागराज के लोगों के लिए हैं, इनको सुन लीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो बताएं। बस मेरा लगभग ये खत्म हो गया है, अपना जो मीटअप वाला प्रोग्राम था ये खत्म हो चुका है, कुछ बातचीत कर लेते हैं। और घर से जिम्मेदारियों के साथ निकले और घर के लिए निकले, इसी को समर्पित स्वयं श्रीवास्तव की पंक्तियां हैं, सुनिएगा। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, और फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते, मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। होता क्या है, सब कुछ वो लड़का जो घर का एकदम लाड साहब था, घर की वो लड़की जो घर की परी थी, सब कुछ छोड़ देती है, फिर वो सपनों को समर्पित हो जाती है, सुनिएगा। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, फिर हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। फिर वो लड़का चटाई पे जीवन शुरू कर देता है, यहां आने के बाद 8x8 का कमरा, उसमें उसका रूममेट, और वो एक कुकर, और वो एक चूल्हा, और एक छोटा सा बिस्तर,
फिर वो निकल पड़ता है कि कब तक समय लगेगा, जब तक लगेगा लगेगा, हम यहां से अपने आप को स्टेबल करके ही निकलेंगे। और ये शहर चूंकि एक लंबा समय यहां बीता है, यहां की जो खुशबू है प्रयागराज के, हम कहीं और किसी शहर में नहीं जाते, लेकिन इस शहर की जो खुशबू है वो खींच लाती है। यहां के अभ्यर्थी सब अपने जैसे लगते हैं, ऐसा लगता है सब अपने हैं, क्योंकि शहर को मैंने 6-7 साल जिया है। यहां पे कई जोड़ी चप्पलें घिसी हैं, कई किलोमीटर रास्ते तय किए हैं। कटरा जाना होता था तो पैदल किसने की 20 रुपए बच जाएंगे, सच्चाई बता रहा हूं, और 20 रुपए में शाम को सब्जी मिल जाएगी। तो 2-3-4 लोगों का ग्रुप जब भी कुछ लेना होता था किताबें, आओ चलते हैं साथ चलेंगे, तो बस बात करते करते पता चला सिविल लाइंस होते हुए कब कटरा आ गया और कटरा से वापस आ गए पता नहीं चलता था, इसलिए कि कुछ पैसा बच जाएगा और वो काम चलेगा। हम लोग के सबके पास ये समस्याएं हैं, सुनिएगा। तो ये वो दौर है जब लड़का निकल के घर आता है और अपना तैयारी शुरू करता है, माँ से बताता है कि मस्त कोई बात नहीं, टेंशन न लेना, इलाहाबाद प्लेटफॉर्म पे पढ़ा, लेकिन बता नहीं पा रहा कि मैं कहां पढ़ा हूं, क्योंकि माँ जानती है कि ये कहां सोता था, कहां सोया। पता चला 20 वाली पन्नी लेके प्लेटफॉर्म पे लेटा है, अगले सुबह उसे रूम खोजना है। फिर उसके बाद वो 100 से 150 रुपए की चटाई खरीदता है, चटाई खरीदने के बाद ये उम्मीद से कि 2 महीने बाद फोल्डिंग ले ली जाएगी, और फिर वो 2 महीने कब 2 साल में बदल जाते हैं, फोल्डिंग नहीं आ पाती। लड़का पूरा फाइनल करके वहां से बगल वाले कहता ले पकड़, है बस आज बिना टिकट वाला समय आ गया, मैं आज निकलूंगा, आज जो होगा देखा जाएगा, सब फाइनल हो गया है। सुनिएगा, सपने ऊंचाई पर थे, कि वो दौर है जब प्रयागराज में थे, सपने ऊंचाई पर थे, सोते चटाई पर थे, सपने ऊंचाई पर थे, सोते चटाई पर थे, आंखों में खड़ा हिमालय। मंजिल जो थी वो बस सर ने लिखा ना टारगेट, तो मंजिल थी एकदम फैक्ट रहता था कि बस ये करके निकलना है, यहां से छोड़ना है इस शहर को। सपने ऊंचाई पर थे, सोते चटाई पर थे, आंखों में खड़ा हिमालय उसकी चढ़ाई पर थे, आंखों में खड़ा हिमालय उसकी चढ़ाई पर थे। 8:45 पे पौने 9 बजे ट्यून होता था हमारा 100.3, 15 मिनट के समाचार सुन ही लिए जाए, देश दुनिया से वाकिफ हो जाए, तुरंत ही रेड एफएम जो भी होता था हमारा, विविध भारती बोलते थे उसको, वहां पहुंच जाते थे हम, वो 15 मिनट का पूरा समाचार सुनते थे। सुनेगा, सपने ऊंचाई पर थे, सोते चटाई पर थे, आंखों में खड़ा हिमालय उसकी चढ़ाई पर थे, और थक कर सुनते थे रेडियो पे गाना, हाय रे फिर याद आया वो जमाना, हाय रे फिर याद आया वो जमाना। अगली लाइन नीलोत्तल भैया इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हमारे सीनियर रहे, उनकी है, और उन्होंने इस ओकेशन पे रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप प्रयागराज से हो, इलाहाबाद से हो, तो इलाहाबाद के बच्चों के लिए उन्होंने लिखा है, तो ये पंक्तियां भी रखूंगा मैं आपके सामने, बस इसके बाद वाणी को विराम दूंगा, फिर मेरे बात कुछ बात सत्यपाल सर रखेंगे। सत्यपाल सर एक्स सर्विस मैन है इंडियन एयरफोर्स के, और वर्तमान में मेरे साथ ही पोस्टेड हैं TGT साइंस, थोड़ा सा उनकी भी एक्सपीरियंस लीजिएगा, लंबा अनुभव रहा है सर का, और डिसिप्लिन के क्षेत्र में रहे हैं, मैथमेटिक्स डिसिप्लिन मांगती है, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो बड़ा मुश्किल काम है, और डिसिप्लिन है तो प्लस और माइनस का फर्क समझेंगे, स्पर्श रेखा और अविलंब का फर्क समझेंगे, कहां पे +1 होगा कहां पे -1 होगा, तो डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल होता है जीवन में हमेशा। सुनिएगा लास्ट कुछ पंक्तियां हैं, उमेश सर थोड़ा सा और टाइम लेंगे। बिल्कुल सर। कोई बलिया देवरिया कोई आजमगढ़ से आया है, कोई बलिया देवरिया कोई आजमगढ़ से आया है, हजारों गांव इलाहाबाद पैदल चल कर आया है, कोई बलिया देवरिया
कोई आजमगढ़ से आया है, हजारों गांव इलाहाबाद पैदल चलकर आया है। और जब हम घर से निकलते हैं ना, तो मैंने वही बताया कि मिडिल क्लास का लड़का जीवन में उस पल का इंतजार करता है जिस दिन वो अपने पापा को गले लगा सके, और जो तड़प है उसको ठंडक में बदल सके, वो कुछ ऐसा काम करना चाहता है। तो जब निकलता है घर से, वो बोलता है, बाबूजी चिंता ना करिहा, बाबूजी चिंता ना करिहा, कोई ये कह कर आया है कई बेटियों का। जनरली हमारा समाज लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं देता, और देता भी है तो अपनी सरहद तक, जहां से वो खुद निगरानी रख सके। लेकिन कई लड़कियां होती हैं, लड़ जाती हैं, और लड़के वो निकलती हैं और फिर उन्हें भेजना पड़ता है। सुनिए, कोई बलिया देवरिया कोई आजमगढ़ से आया है, हजारों गांव इलाहाबाद पैदल चलकर आया है, बाबूजी चिंता ना करिया, कोई ये कह कर आया है कई बेटियों का हौसला, बाप से लड़कर आया है कई गांवों का गुलमोहर, कई गांवों का गुलमोहर, साख से झड़कर आया है हजारों ख्वाब का लश्कर, हजारों ख्वाब का लश्कर पटरियां चल कर आया है। कि जम्मू के पढ़ना, जम्मू के पढ़ना की अड़के लड़ना, एक भी सपना ना टूटे इलाहाबाद के लड़कों, तुमसे ये मौका ना छूटे इलाहाबाद के लड़कों, तुमसे ये मौका ना छूटे इलाहाबाद की लड़कियों, तुमसे ये मौका ना छूटे। सुनेगा, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे। मैथमेटिक्स वालों से तालियां बजाना बड़ा मुश्किल काम होता है, ये सभी कहते हैं, इवन मैं भी उसमें आता हूँ। मैथ और साइंस के लोग जरूरत पे बजाते हैं बस, बाकी नहीं। सुनिएगा, बस कुछ लाइनें और बची हैं। तुम्हारे भीतर के गंगा से, तुम्हारे भीतर के गंगा से कभी भी यमुना ना टूटे इलाहाबाद के लड़कों, तुमसे ये मौका ना छूटे इलाहाबाद की लड़कियों, तुमसे ये मौका ना छूटे। बुलंदी पर पहुंच जाओ साहब बाबू बन जाओ, बुलंदी पर पहुंच जाओ जब साहब बाबू बन जाओ, सफलता के समंदर में अकेला टापू बन जाओ, तब कोई और मिल जाए, तब कोई और मिल जाए तो लिपट कर रोना ना छूटे इलाहाबाद के लड़कों, तुमसे ये मौका ना छूटे इलाहाबाद की लड़कियों, तुमसे ये मौका ना छूटे। और यहाँ का एक बड़ा फेमस है डीबीसी, जिस लड़के को एक ही कुकर में दाल चावल और चोखा तीनों बनाना आता है, वो लड़का इलाहाबाद में बहुत जल्द सफल होकर जाएगा। अगली पंक्ति इसी को समर्पित है। तब कोई और मिल जाए तो लिपट कर रोना ना छूटे
चाहे जन्नत भी मिल जाए, चाहे जन्नत भी मिल जाए, दाल भात चोखा ना छूटे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, इलाहाबाद की लड़कियों तुमसे ये मौका ना छूटे। ये है कि वो एक्सपीरियंस है, इस बार बैठेंगे और अपनी योग्यता को साबित कर देंगे और आप सबके साथ आधुनिक उन विद्यालय में पहुँचेंगे। पूर्ण विश्वास है वो सर से बोलेंगे कुछ ना कुछ शब्द रखें और आपसे थोड़ी बातचीत करें, जनपद शेयर करेंगे। बस इसके बाद सभी को जाना है, जाना तो रोजाना ही रहता, आना जाना कहाँ मिलेंगे हम लोग, पता नहीं कितने दिन बाद दोबारा मुलाकात होगी, तो सबको भी थोड़ा सा सुन लीजिए। फिर जिसकी कोई क्वेरी होगी तो 10-15 मिनट हम लोग फिर से बैठ लेंगे एक बार, कोई भी स्पेशल क्वेरी जिसकी कुछ बातचीत करनी है, कुछ वगैरह डिस्कस करना पड़ता है, तो बैठ लेंगे दो चार मिनट, बाकी सबको जल्दी जाना भी है, लंबा सफर है सबके पास, आगे देखना है। ठीक है सर, करते तो सर लोगों ने जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत है, मैं ही आपके जैसा एक एस्पिरेंट हूँ, मैं कुछ आ ही नहीं रहा हूँ, ऐसे चीज़ों पर आ ही नहीं रहा हूँ। सर लोगों ने इतना सफिशियंट बता दिया है कि मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सर ने मेरा सम्मान रख दिया कि यहाँ पे मुझसे कहा कि सर आप आज होस्ट कर दीजिए, नहीं तो मैं वहीं हूँ, और बस लगा दे रहा हूँ, हो गया। तो जैसे कुछ टाइम जो है ऐसा होता है, कभी कभी खराब होता है टाइम, जैसे आज के टाइम पे सबसे बड़ा जो है दिक्कत है जीएफ गर्लफ्रेंड, बिल्कुल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो ये सिस्टम होता है वो भी जो है बहुत समस्या है। नहीं, बारहवीं के बाद तो होता ही है, अभी भी जैसे ऐसा नहीं है कि क्या करें, यहाँ तक ठीक है। तो मैं उसी पर एक जो है कविता जो है बहुत वायरल होती है, बहुत छोटी कविता है, शायद मुझे लगता है आप लोग पसंद करें। तो उसमें एक प्रेमी रहता है और एक प्रेमिका रहती है, और ऐसा नहीं हूँ कि मैं मैथ का टीचर हूँ तो इतना नहीं जानता कि प्रेम क्या होता है, प्रेमी वैसे मैथ वाले बहुत उलझे रहते हैं, तो मैं बस अंत इस वजह से कर रहा हूँ ताकि अंत है तो थोड़ा सा ऐसा लगे कि फन हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने की जरूरत है। तो उसमें जो है प्रेमी जो है किसी कैलकुलेशन में फंस जाता है, तो प्रेमिका उससे क्या कहती है, कहती है छोड़ो कैलकुलेशन, छोड़ो हमसे प्यार कर लो। तो वो जो लड़का है वो उनको बड़ा अच्छा जवाब देता है, और वो कहता क्या है कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, मैं डिटरमिनेंट सा सीधा साधा, तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। मैं डिटरमिनेंट सा सीधा साधा, तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, मैं स्वयं सिद्ध एक थ्योरम जैसा, तुम कठिन सा डेरिवेशन हो। मैं कैलकुलस वाला कांस्टेंट हूं, तुम ज्योमेट्री वाली स्केल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, प्यार नहीं है खेल। और अंत लाइन में जो बात है वो भी बहुत समझदारी की बात है, मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, ना परमुटेशन है ना कॉम्बिनेशन है, हम दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, मैं डिफरेंशिएशन हूं, तुम इंटीग्रेशन हो, मैं तेरी रेंज से बाहर हूं, नहीं मिलता अपना डोमेन प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, प्यार नहीं है खेल प्रिय। तो इन्हीं लाइनों के साथ आज का कार्यक्रम मैं अपने स्तर से मैं समाप्त करना चाहता हूं, और मैं उदय सर से चाहूंगा उन्हें थोड़ा बहुत जो भी कहना हो अंत कर दें, और बहुत इतना मुझे लगता है कि आज के लिए बहुत ही सफिशियंट है, और ठीक है, धन्यवाद। कर देंगे, है हमारे पास भी कर देंगे, बहुत बहुत आप सर डाल देंगे, सर ही डाल देंगे, सर भी जुड़े हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का, हमारे एक आह्वान पे आप यहाँ तक पहुँचे, और बड़ा अच्छा लगा कि आप इतना वैल्यू दिए, वरना किसी इंसान की वही क्या कहते हैं, ये इंसान भी तो ये हम ना चीज़ क्या चीज़ है, लेकिन आप यहाँ तक पहुँचे ये बड़ा वैल्यूएबल रहा हमारे लिए।
बहुत से लोग नहीं पहुंच पाए किसी कारण, बहुत से काम आ जाते हैं, कई बार हम भी अपना प्लान कैंसिल करते हैं, बहुत से लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो पहुंचे हैं उनके लिए बेनिफिट यही है कि हम 10 टेस्ट पेपर आपको 125 प्रश्नों के उनके वीडियोज आपको हम आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको तुरंत उनका लिंक या मुझे दीपक सर को करेंगे, मैं उनको मैसेज भेज दूंगा। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का संकलन है, 1200 प्रश्न हो जाएंगे आपके पास 10 प्रश्न पत्रों में, उनका बढ़िया से करिएगा और उससे बेहतरीन तरीके से उनको सॉल्व करने की कोशिश भी मेरे द्वारा की गई है, दीपक सर के भी उसमें प्रयास रहे हैं। तो बहुत ही ऑथेंटिक, मैं खुद ही बैठता हूँ, मैं बहुत बड़ा, मैंने पहले ही बताया कि बहुत बड़ा तोपची नहीं हूँ, बहुत बड़ी तोप नहीं दाग सकते, लेकिन ये है कि कोई प्रश्न एग्जाम रूम सिचुएशन में कैसे हैंडल किया जाए उस पर हम काम करते हैं। उस प्रश्न को मतलब नॉर्मल वे में तो सभी लगाएंगे, लेकिन एग्जाम में कैसे लगाया जाए उस पर हम काम करके आपके सामने परोसने का काम करते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो कोई ट्रिक ऐसी बताएं कि उसे याद करने के लिए एक और ट्रिक की आवश्यकता पड़ रही है। तो इस तरह की चीजों से बचते हैं कि ट्रिक ऐसी हो, ऑथेंटिक हो और वो हमेशा एक दिमाग में बैठ जाए कि यार ऐसे प्रश्न को कर सकते हैं। तो बड़ा सा प्रश्न था एपीजीपी एचपी को कैसे हवा में उड़ा देना है, बड़े बड़े प्रश्नों को आप मैसेज करेंगे, मैं आपको भेज दूंगा, वो देखिएगा। तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी बड़े आसानी से निपट जा सकते हैं।